गाइस वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक स्ट्रीम, जहाँ पर मैच हो रहा है स्वेडिश लीग का जो कि खेला जाएगा मेलमो वर्सेस आईएफके वर्नैमो के बीच 10:30 बजे। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे, बात करें इस मैच की। वीडियो आज भी बड़ी नहीं बन पाई जैसे कि कई लोग मुझे कह रहे थे, बिकॉज गाइस आज का दिन भले ही मैच नहीं थे लेकिन मेरे लिए थोड़ा बिजी रहा था ये दिन। ठीक है, तो बात करें इस मैच की। मेलमो और वेरनेमो दोनों टीम की आपस में टक्कर है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। कई लोग बोलेंगे वेरनेमो नीचे है, नहीं भाई नहीं है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, वेरनेमो नीचे नहीं है, आप उसको हल्का मत आंकना। ठीक है, मेलमो टीम अच्छी है लेकिन मैं मेलमो को इस नज़रिए से देख रहा हूँ, वो आखिरी के 2 मैच बहुत बेकार खेलती आई है। ठीक है, आखिरी के 2-3 मैच, इसलिए मैं चाहता हूँ मेलमो को चाहिए एक कमबैक और वेरनेमो को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है कि उनको कमबैक ना करने दें। अब इस चीज़ में किसकी जीत होती है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, जे इंगवॉल हर बड़ी टीम को गोल लगाने का दम है इस खिलाड़ी में, मेलमो को 10 जून को भी गोल लगा चुका है। सो इसकी नज़र के अंदर ये टीम कुछ नहीं है, मतलब मैं अगर इंगवॉल के नज़रिए से देखूँ, मतलब इसके लिए ये टीम कुछ नहीं है सामने वाली। तो मेरे को लगता है कि इंगवॉल यहाँ पर अगर गोल कर भी देता है तो इसमें कोई बड़ी बात होगी ही नहीं। और अगर आप इस मैच में डबल साइड कम्बिनेशन बनाते हो या आप दो टीम के साथ खेलते हो, तो उसमें आप अपनी एक टीम में अपना वाइस कैप्टन या फिर कप्तान एक टीम में इंगवॉल को भी रख सकते हो। और आइकियस थैलिन की बात करें, ये अपनी टीम के लिए अनलकीएस्ट पार्ट बन रहा है यार, क्योंकि जब तक ये बीच में नहीं था तब अच्छी चलती है। और ये बंदा बंदा बुरा नहीं है, इसके अंदर क्षमता बहुत है, ये चाहे तो एक मैच में 3 गोल कर दे, इसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब नहीं चल रहा देन व्हाट कैन वी डू। एंड टी आप दी अली की बात करूँ, टी आप दी अली को यहाँ पर मैं लूँगा, इसको लेना तो नहीं चाहता अगर मैं कंपेयर करूँ स्टिफेनो से, बट अगर स्टिफेनो नहीं खेलेगा फिर हमारी मजबूरी है, फिर तो हमें इस खिलाड़ी को छोड़ सकते ही नहीं। ठीक है, बात करें यहाँ पर मिडफील्डिंग की, तो यहाँ पर एस ननासी बढ़िया खिलाड़ी भाई, हर मैच के अंदर कुछ ना कुछ किया है इस खिलाड़ी ने, गोल असिस्ट करना बहुत ईजी रहता है इसके लिए। आज ये बंदा 96% सिलेक्शन है ना, मैं इस बंदे को शुरू से ले रहा हूँ, जब इसकी सिलेक्शन 8 भी थी तब भी, और मैंने इसको 46% वाले मैच में अपना कप्तान भी रखा था, मुझे याद है 5 जून को, इसलिए मेरे लिए बहुत एक महत्व रखता है खिलाड़ी यार, मैं सही बता रहा हूँ। एंड आगे से ऑपोजिशन टीम की बात करें, एस थर्न का पिछले मैच में गोल आया था, बट मैं आपको बता दूँ कि मेरे को ना ये खिलाड़ी थोड़ा रिस्की लग रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप डब्ल्यू नेस्किमेंटो को ले लो, क्योंकि नेस्किमेंटो और ओला जोहानसन ये दोनों प्लेयर थोड़े सेफ लग रहे हैं मेरे को। मैं चाहूँ तो थान को ले सकता हूँ बट अभी डिसाइड कर लेंगे, बट अभी तक मेरी ना ही है इस खिलाड़ी को लेने के चक्कर में। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें जिसको हम फेवर कर रहे हैं, हाँ उनका एक आध खिलाड़ी अगर आपने बढ़ाना है तो देखो, मेन खिलाड़ी आप ले चुके हो, ठीक है, ये सारे नीचे से ऐसे ही हैं, मेन जो ऊपर से अगर आप सैरचियो पेना को लेते हो, बस इतना फ़ायदा है कि अगर इस मैच में क्लीन शीट ना लगी ऑपोजिशन टीम की या इनकी, तो एस पेना उसमें 30-35 पॉइंट आपको बिना गोल करके ही दे जाएगा। इसलिए मैं इस खिलाड़ी को एज अ मतलब मैं रिस्क लेने के तौर पे नहीं ले रहा, मैं सेफ जाने के तौर पे ले रहा हूँ। एंड बात करें डिफेंडिंग की, यहाँ पर है हमारा प्लेयर मेलमो का गैब्रियल बुसनेलो, लास्ट मैच में तो चलो जीते नहीं थे, बट जीते नहीं थे और सामने वाली टीम को जीतने भी नहीं दिया था, तो क्लीन शीट के पॉइंट मिल गए। और आगे से एक प्लेयर है मॉसेंडर, ठीक है, मॉसेंडर के बाद एल्स नेल्सन को अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं लेना तो बदल सकते हो, नीचे और भी ऑप्शंस हैं। आगे से बात करें यहाँ पर गोल कीपिंग की, गोल कीपिंग सेक्शन के अंदर जे राशिद मेरे को इतना खास नहीं लगता जितना कि भाई वॉटेकोविच है। ठीक है, अच्छा हुआ राशिद थोड़ा इंजर्ड भी है तो वॉटेकोविच को चांस मिल गया, हम उसको परख सकते हैं क्या है वो, तो ये तो चलो इसकी चांस ही है, और दोनों में से जो एक ही खेलेगा उसको ही लूँगा, सीधी सी बात है। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है एस ननासी, वाइस कैप्टन है हमारा टी आई के एस थैलिन, सॉरी टी आप दी अली नहीं, आई के एस थैलिन, तो ये मेरी टीम है। बाकी मैं चाहूँ तो इंगवॉल को भी एंड में रख सकता हूँ, तो मेरे को कुछ नहीं पता कि मैं बदलूंगा कि नहीं, थोड़ा डिसाइड के ऊपर है, दिमाग के ऊपर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।